संभल के चंदौसी में जनता कर्फ्यू के दौरान हलवाई एसोसिएशन ने कराया कीटनाशक का छिड़काव। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज रविवार को देश भर में जनता कर्फ्यू का आह्वान किया है। इसी के मद्देनजर आज देश भर से जनता कर्फ्यू की काफी तस्वीरें सामने भी आई हैं। जनपद संभल के चंदौसी में कोरोना वायरस को खत्म करने के लिए चंदौसी की हलवाई एसोसिएशन भी आगे आई और नगर में विभिन्न जगह पर कीटनाशक का छिड़काव कराया। इस विषय में हलवाई एसोसिएशन के अध्यक्ष मंतेश वाषणी ने बताया कि उन्होंने छिड़काव के लिए दवाई बाहर से मंगाई है ताकि इस कोरोना वायरस को खत्म किया जा सके। इस दौरान रेलवे स्टेशन परिसर में स्टेशन अधीक्षक आशीष कुमार मिश्रा ने भी वहां पर सैनिटाइज किया। आइए दिखाते हैं हमारे संवाददाता सरफराज अंसारी की ये रिपोर्ट। पूरे देश में कोरोना वायरस के कहर के बाद उत्तर प्रदेश में भी 300 से ज़्यादा कोरोना वायरस के मरीज पाए गए हैं जिनको इंसुलेशन वार्ड में रखा गया है। और हमारे चंदौसी के हलवाई व्यापार एसोसिएशन के कुछ लोगों ने मिलकर संगठन ने मिलकर यहाँ पर दवाई छिड़कने का निर्णय लिया है। आज बाज़ार बंद है, सड़कें सुनसान हैं, यातायात भी नहीं है, इसलिए ये लोग सब पूरे शहर में छिड़काव करके और शहर को स्वस्थ बनाना चाहते हैं और कोरोना को भगाना चाहते हैं। इसी संबंध में हम हमारे मंत्री जी हैं, हम उनसे बात करेंगे, जानेंगे उनसे वो क्या कहेंगे इस मामले को लेके। आज जब हमारे देश के प्रधानमंत्री का एक संकल्प था जन कर्फ्यू, उसके तहत हमने भी सोचा कि हमें भी कुछ करना चाहिए। जब देश का प्रधानमंत्री कर रहा है तो हमने अपनी एक मीटिंग बुलाई और सारे व्यापारियों से सलाह करने के बाद ये निर्णय लिया कि शहर को कोरोना से बचाने के लिए दवाओं का छिड़काव किया जाए। इसलिए हमने ये दवा जो दिखने वाला कीड़ा है और ना दिखने वाला कीड़ा है उसकी दोनों की मिक्सिंग करके ये दवा बनवाई है और ये हमने बाहर से मंगाई थी जिससे यहाँ कोरोना का प्रकोप ना बढ़े और स्वच्छता की तरफ सभी का ध्यान हो हमारे साथ साथ। जैसे कि मोदी जी का भारत बंद का जो आज जो था लॉक करने का कि कोई घर से नहीं निकलेगा सुबह 7 से 5 बजे तक, जैसे कि आप लोग अभी ये छिड़काव कर रहे हैं तो इसमें क्या कहेंगे आप? नहीं, किसी को तो रिस्क लेना पड़ेगा। अगर हमारा संगठन अगर इससे पीड़ित भी हो जाता है तो हमें कोई गम नहीं है और जनता तो बचेगी हमारे इस छिड़काव से। तो ये हमसे बात कर रहे थे हलवाई एसोसिएशन के मंत्री जी। अभी कुछ और व्यापारी भी हैं, उनसे बात करेंगे, उनसे जानेंगे वो क्या कहना चाहते हैं। आप क्या कहेंगे इस मामले में? हम हमेशा कोई ना कोई ऐसे ही सामाजिक कार्य करते रहते हैं। हमने नगर में कई स्थानों पर सफाई भी करी है और हमारा जो भ्रमण पूरे ही नगर में है, हम अनेक स्थानों पर जाएंगे, ऐसे छिड़काव करेंगे। जो नालियों में कीड़े मकोड़े गंदगी है वहाँ छिड़काव कर हम इसको नगर को स्वच्छ बनाना चाहते हैं और ये संदेश हम देना चाहते हैं कि सभी व्यापारी लोग हमारे साथ आएँ और स्वयं अपनी इच्छा से कार्य करें। और हमने ये देखा कि पिछली बार नगर पालिका द्वारा सफाई हुई, जो छिड़काव हुए, उसमें गुणवत्ता अच्छी नहीं थी, लेकिन हम आगे बढ़े हैं, देखते हैं क्या होता है और हम सबका सहयोग चाहते हैं और सबको सहयोग देने को स्वयं तैयार भी हैं। तो ये व्यापारी थे हलवाई एसोसिएशन के। अभी कुछ और लोग हैं जिनसे हम जानना चाहेंगे कि वो क्या कहना चाहते हैं, क्या संदेश देंगे। मैं माननीय प्रधानमंत्री महोदय का बहुत हृदय से निवेदन करता हूँ, उन्होंने जो आज जनता कर्फ्यू का जो निर्णय लिया है मैं उसका स्वागत करता हूँ। और हम हलवाई एसोसिएशन ने दवाई छिड़कने का निर्णय लिया है और आगे अगर ज़रूरत पड़ी उसका भी हम आगे के तहत उनका सहयोग करेंगे।